बॉलीवुड में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को सबसे सफल जोड़ी में से एक माना जाता है। ये प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसमें हेमा मालिनी शादीशुदा धर्मेंद्र से प्यार करने लगी और धर्मेंद्र ने भी हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। हम आपको बता रहे हैं इस शादी की कुछ रोचक बातों के बारे में। धर्मेंद्र की शादी 19 साल की उम्र में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से हुई थी। हेमा मालिनी पहली बार अहमद अब्बास की फिल्म आसमान महल की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से मिली। 1970 में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पसंद करने लगे और उन्होंने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन धर्मेंद्र के पहले से शादीशुदा होने के कारण उन्होंने धर्मेंद्र से शादी करने से मना कर दिया। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक देने वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया। तब हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदल दिया और वो मुसलमान बन गए। उन्होंने अपना नाम दिलावर खान रख लिया और फिर हेमा मालिनी से शादी कर ली। धर्मेंद्र हेमा मालिनी से 13 साल बड़े हैं। हेमा मालिनी के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करने के लिए धर्मेंद्र ने वीरू का रोल किया। धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल जब 22 साल के हो गए थे, तब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी। धर्मेंद्र ने 2 शादी की और उनके 6 बच्चे हुए। अपनी पहली पत्नी से उनको 2 बेटे और 2 बेटी हुई और दूसरी शादी जो उन्होंने हेमा मालिनी से की थी, उससे उन्हें 2 बेटियां अहाना देओल और ईशा देओल हुई। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।